हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू अ फाइन बेटा नाउ टुडे विल स्टार्ट आवर साइंस क्लास अवर बुक नाम इज माय लिविंग वर्ड ओके बेटा जो ये बुक है आपकी माय लिविंग वर्ड ये आपकी साइंस बुक है जिसको हम जनरल साइंस बोलते हैं ओके okay, बेटा सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर वन हम लेसन नंबर वन हमारा जो कि है माई बॉडी के बारे में लेसन नंबर वन माई बॉडी ये हम अपनी पिछली जूम क्लास में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं ठीक है बट एक बार हम शॉर्ट में रिविजन कर लेते हैं इसकी कि हमारे इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किए थे वी हैव डिस्कस अबाउट द वेरियस सेंस ऑर्गन्स ठीक है आई टोल्ड यू कि हमारी बॉडी में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वी हैव मैनी बॉडी पार्ट्स बट इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट द सेंस ऑर्गन्स और मैंने आपको बताया था आई टोल्ड यू हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स वी हैव फाइव how many sense organs we have five number one eyes nose ear skin and tongue like in this picture what the girl is doing the girl is tasting something and she is using his tongue in this picture the boy is touching the eyes so he is using his skin in third picture the girl is hearing a loud noise with the help of his ear okay and in next picture these three people are watching the scenery with the help of their eyes and the last one is the girl is smelling the smell of fragrance of rose so these body organs which help us to identify the different type of objects identify means aapko mein help karte hai. उनको आप क्या कहते हो सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज ईयर नोज स्किन एंड टंग दीज फाइव ऑर्गन्स विच प्रेजेंट अराउंड यू हेल्प टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट थिंग्स दे आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स ओके डेफिनेशन भी लिखी हुई है ऑर्गन विच अस टू सेंस वेरियस थिंग्स जो आपके आसपास की चीज़ों को सेंस करने में पहचानने में हेल्प करते हैं उनको आप क्या बोलते हो सेंस ऑर्गन्स क्लियर बेटा after that we have discussed about the first sense organ that is tongue we have discussed about it हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं I have told you about that our tongue our tongue जो हमारी tongue है वो हमें different different taste को identify करने में help करती है है ना with the help of your tongue आप different different जो taste होते हैं आपके different जो आपके टेस्ट हैं उनको पहचानते हो बट हमारी टंग मेनली कितने टाइप के टेस्ट को पहचानती है फोर लाइक स्वीट बिटर सोर एंड सॉल्टी स्वीट होता है मीठा बिटर मीन्स कड़वा सोर मीन्स खट्टा एंड सॉल्टी मीन्स नमकीन ये भी मैं आपको से डिस्कस कर चुकी हूँ एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ टंग कि टंग के फ्रंट में होती है स्वीट बैक में बिटर साइड्स में सोर एंड सोल्टी आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड कि हमारी जो टंग है उसमें जो टेस्ट बर्ड होते हैं बेटा वो कितने होते हैं टू थाउजेंड टू टेन थाउजेंड ये मेरी पुरानी बुक है भी उसमें थ्री थाउजेंड दिया हुआ है बट अब जो न्यू डाटा है उसमें दिया हुआ है टू थाउजेंड टू टेन थाउजेंड टेस्ट बर्ड्स होते हैं क्लियर एंड हमारी जो टंग है इट इज़ द स्ट्रोंगेस्ट मसल इन आवर बॉडी हमारी बॉडी की जो सबसे स्ट्रांगेस्ट मसल है वो कौन सी है टंग आप अपनी टंग को चेक करना उसमें कोई बोन नहीं होती नहीं होती ना कोई बोन अगर आप उसको टच करके देखते हो उसमें कोई हड्डी नहीं होती ठीक है सिर्फ मसल है मसल से बनी है और ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट मसल है फिर हमारी जो टंग की जो लेंथ है वो कितनी है टेन सेंटीमीटर ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर टंग आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ईयर्स ईयर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था कि ईयर्स जो हैं आपको हेल्प करते हैं अलग अलग तरह के साउंड्स को पहचानने में है ना बर्ड्स की साउंड है किड्स जो मेकिंग नॉइज कर रहे हैं अलग अलग व्हीकल्स की साउंड है वो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं ईयर्स ही आपको हेल्प करते हैं ये पहचान कि कौन से साउंड लाउंड है और कौन से साउंड जेंटल है जेंटल मतलब अच्छे हैं ओके क्लियर हो गया और ईयर्स हमें ये भी बताते हैं कि कौन से साउंड किस डायरेक्शन से हमें आ रही है नेक्स्ट आता है हमारा स्किन स्किन की हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हो यू कैन फील स्मूथ एंड रफ सर्फेसिज यू कैन फील द हॉट एंड कॉल ऑब्जेक्ट ओके मेन थिंग आप क्या करते हो फील करते हो चीज़ों को कि कोई चीज़ हॉट है कोल्ड है या वो स्मूथ है या वो रफ़ है कैसा है आप चीज़ों को टच करके देखते हो ना कि वो बड़ा स्मूथ है आप ऐसे टच करते हो यार ये तो बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट है ऐसे ही करते हो लाइक like अगर ये बेड शीट है मैं इसको टच कर रही हूँ आप यहाँ से तो टच करके देखो ये यार मैं तो बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट है या ये अगर आप टच कर रहे हो पेपर को आप कई बार कहते हो यार ये पेपर तो बड़ा सॉफ्ट है ये तो चुभ रहा है ये बड़ा हार्ड है तो हाउ कैन यू फील ऑल दिस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर स्किन क्लियर बेटा इसके अलावा इन एडिशन टू दिस स्किन का मेन फंक्शन क्या होता है आपकी स्किन के नीचे जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं ये उनको क्या करती है प्रोटेक्ट करती है ठीक है आपकी स्किन के अंदर आपके जो स्किन है इसमें सारे बॉडी ऑर्गन्स को जो अंदर वाले हैं आपकी बॉडी के अंदर हैं लाइक हार्ट है स्टमक like है लंग्स हैं है, उन सभी को ये प्रोटेक्ट करके रखती है क्लियर एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी जो स्किन है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का क्योंकि पूरी बॉडी पे स्किन है ना आपका तो ये लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का क्लियर बेटा नाउ आर टूडेज टॉपिक इज नोज आज हमारा जो नेक्स्ट बॉडी ऑर्गन है वो कौन सा है फोर्थ है हमारा सेंस ऑर्गन नोज अब नोज से तो आप क्या करते हो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को स्मेल करते हो फ्रेग्रेंस को फ्रेग्रेंस होती है गुड स्मेल जो अच्छी स्मेल होती है खाने की जो खुशबू होती है उसको हम फ्रेग्रेंस बोलते हैं परफ्यूम की जो खुशबू है उसको हम फ्रेग्रेंस बोलते हैं जो बैड स्मेल होती है जो आपको अच्छी नहीं लगती उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्मेल है ना एंड विद द हेल्प ऑफ योर नोज यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई लाइक हेयर इज़ देखो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को वो स्मेल कर रहे हैं लाइक like परफ्यूम हो गया डी हो गया फ्लार की फ्रेगरेंस है चीज़ों की फ्रेग्रेंस है सॉक्स की स्मेल है तो दीज स्मेल्स यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन विद द हेल्प ऑफ योर नोज ओके आप स्मेल से पहचान लेते हो और वो स्मेल को पहचानने में कौन हेल्प करता है आपकी नोज ओके okay, बेटा नेक्स्ट इज अब हमारी जो आईज हैं दे अस टू सी ये सभी को पता है वो हमें देखने में हेल्प करती हैं ठीक है अब कुछ भी चीज़ आपने देखनी हो चाहे उसका कलर देखना है चाहे आपने उसका शेप देखना है चाहे आपने उसका साइज़ देखना है वट एवर यू वॉन्ट टू सी विद द हेल्प ऑफ योर आइज ठीक है ऑल बेबीज आर कलर ब्लाइंड कहता है जितने भी बेबीज होते हैं जब वो पैदा होते हैं दे आर कलर ब्लाइंड कलर ब्लाइंड का मतलब होता है उस टाइम पे वो कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं ठीक है बट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तब उनको डिफरेंट कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स समझ में आते हैं जब वो बेबीज होते हैं तब वो सिर्फ दो ही कलर देख पाते हैं ब्लैक या वाइट ओके okay? इसके अलावा बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी कैन एक्सप्रेस अवर इमोशंस आप देखो जब आप खुश होते हो अगर आप मुँह से नहीं भी बोलोगे आपकी आईज बता देती हैं कि आप खुश हो उदास हो गुस्से में हो है ना या आप शर्मा रहे हो क्या हैं आपके एक्सप्रेशंस होता है ऐसा अगर हम कभी खुश होते हैं कभी हम उदास होते हैं तो मम्मा आपका चेहरा देख के बता देती हैं कि बेटा आज आप उदास हो या कई बार क्लास में मैम भी ऐसा करती हैं आपका चेहरा देख के बता देती हैं तो वो कैसे क्योंकि हमारी जो आइज़ हैं वो हमारे अलग अलग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है लाइक यहाँ पे कुछ फेसेस दिए हुए हैं आपने ये खुद करना है आपने इनको मैच करना है कि कौन सा फेस जो है वो कैसी आइज़ जो है वो क्या दिखा रहा है लाइक एंग्री कौन है इसमें ये देखो ये एंग्री है ठीक है स्कीयर्ड स्केयर्ड मतलब डरा हुआ है शाई शाई मीन्स जो रहा है दैट गर्ल इज शाई हैप्पी दैट बॉय इज हैप्पी एंड लोनली ये सैड है क्योंकि अकेला फील कर रही है ठीक है तो ये हो गया आपका कि आइज आपकी हेल्प करती हैं आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में hmm, hmm. ओके बेटा नेक्स्ट आता है आपका सेंस ऑर्गन्स की अब आपने केयर कैसे करनी है ये तो आपने पढ़ लिया कि आपके फाइव सेंस ऑर्गन है अब आपने इनकी केयर कैसे करनी कैसे केयर करोगे ठीक है आपने अपनी टंग को क्लीन करना है टंग क्लीनर से स्किन को कैसे क्लीन रखोगे डेली नहाएंगे आप अपने टंग को और कैसे बचा के रखेंगे आप आप बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड चीज़ें नहीं खाएंगे अवॉइड करेंगे नेवर टच और पोक योर आइज़ आप अपनी आइज नोज़ ईयर में कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को नहीं टच करवाएंगे उससे वो हर्ट हो सकते हैं उससे आपको नुकसान पहुँच सकता है ओके बेटा नेक्स्ट आता है अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट डिम लाइट में नहीं पढ़ेंगे कम लाइट में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज आपकी आइज में प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा टी नहीं देखना है वर्किंग ऑन कंप्यूटर नहीं करना है बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स नहीं खेलनी है उससे आपकी आइज़ पे इफेक्ट पड़ता है एंड डू मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज रेगुलरली ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप अपने सेंस ऑर्गन्स का अपनी बॉडी का ध्यान रख पाएंगे ओके बेटा सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर थैंक यू